आज के बाद हमारे गुरुकुल में ऐसा कभी भी किसी ने डांस किया तो उसे उसी वक्त यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम क्या हमारे गुरुकुल के बाहर बैंड बजाते रहते हो? अब तो तुम्हारी सलाखें भी खोल दी हमने, चले क्यों नहीं जाते यहां से? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के तीन नियम है जो मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता, आप लोग क्या फॉलो करेंगे? सोचिए। डिसिप्लिन मेरा धर्म है और कामयाबी मेरा जितेंद्र। अरे तीतुरो बेटा। और ये तो हो गई मोहब्बतें की बातें, अब हम थोड़ी केबीसी की बातें करें। दाढ़ी लगाने का टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा दही में मैं मुंह मार लेता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीसी में। देवियों और दुर्जनों, ताली के बजा रहे हो, भेड़ का दिन है, एक भी सज्जन नहीं है तुम लोगों में। ये देखो, उठो, ये देखिए, ये दुर्जन नहीं दर्जन है, कम से कम 10 दर्जन। खैर अरबाज जी, इस पूरे हिंदुस्तान में मैं एक ही आदमी हूं जो पंचुअल है, बहुत टाइम का इतना पंचुअल है, कोई भी इंडिया में आई थिंक इतना पंचुअल नहीं होगा। बल्कि लोग सोचते हैं मैं टाइम पे नहीं आता। जब मैं सुबह घर पे उठता हूं, चाय का इंतजार करो, उसके बाद चाय पियो, फिर बाथरूम जाने का इंतजार करो, अखबार पढ़ना है तो पेपर वाले का इंतजार करो, नीचे उतरो शूटिंग के लिए ड्राइवर का इंतजार करो, शूटिंग पे पहुंचो वहां पर डायरेक्टर का एक्शन बोलने का इंतजार करो, हर वक्त इंतजार। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पंच का? राइट। हर कोई बात नहीं है, सब तो चलता रहेगा। मैं अपनी माँ से बहुत परेशान हो चुका हूँ, दिन रात बाहर रहती है, दारू पीती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है मेरी माँ। माँ लगू माँ क्यों नहीं भाई? ये क्या करती रहती तुम माँ, कभी अपने चरण तो छूने देती? देखो कहाँ चली जाती हो तुम, इतना माहौल खराब है, 12-12 बजे तक ये डॉन कहीं बाहर नहीं घूमता, तुम कहाँ कहाँ चली जाती हो? विजय, तुमने अपनी माँ को गलत समझा। अरे इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो पब में गई थी बेटा। रब को याद करने के टाइम पर तुम पब में चली गई थी, यहाँ साले पाव खाने के पैसे नहीं है, पब में जा रही हो तुम। तुम्हारी उम्र अब दवा दारू की है, सारा दिन दारू 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 करते रहते हो तुम। अपनी उम्र का ख्याल रखो माँ, क्या हुआ मेरी उम्र को? अभी तो मैं 20+ हूँ। 50 साल की बुढ़िया हो गई हो तुम, 50 साल की। इस बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे 50 20+ ही होता है, कमीने समझता क्यों नहीं पीछे तू? मैं इन लड़कियों की तरह उम्र के मामले में झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ नहीं बोलते तो ये बताओ मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ पर है? सिगरेट तुम्हारे इधर ही मेरे अंदर होंगे, और कहाँ जाने हैं? तुम्हारे अंदर मतलब मेरी सिगरेट भी पी गई तुम? हाँ पी ली है मैंने। तुम्हारे पापा की मुझे इतनी याद आ रही थी, उनकी याद की कश्मकश में मैं कश पे कश मारती रही और सारे सिगरेट पी गई। अरे पापा का सिगरेट से क्या लेना पापा? लेना देना है? जब मैं सिगरेट पी रही थी ना, मेरा मुंह ऐसे बन जाता, वैसे वो पप्पी लेते थे मेरी। तेरे पापा उस जमाने के शेखर सुमन थे। हर माँ हमें बहुत भूख लग रही है, भूख से मैं मरा जा रहा हूँ माँ, भूख से मरा जा। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा डॉन है, गोली खा के मरेगा, तू भूख से मर रहा है, तप्पड़ मारना तेरे चरों को। बकवास बंद करो माँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी दारू नहीं पीने दूंगा। मेरे घर अद्दे पौए आएंगे, मैं दारू पीऊंगी, दारू मेरे घर पे आएंगे, मेरे अद्दे पौए आएंगे। अरे जब तू पैदा हुआ था ना, अब से 1 इंच छोटा था तू। मुझे आज भी याद है, मैं बीमार होती थी, मेरी दवा दारू के पैसे के तू कंचे खेल आता था कमीने, तुम दोनों भाई मस्टंडे निकले। अब मैं मर्जी बड़ी मुश्किल से दारू पीती हूँ, मुझे वो भी नहीं पीने देते। बंद करो, यहाँ से चले जाओ तुम, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा माँ। हाथ तो कितने सालों से उठा हुआ है, आप नीचे कर लो। विजय जा, मैं तुम्हें शराब देती हूँ, तेरी उम्र के सारे घर पे बैठ जाएंगे, तू 100 साल तक फिल्में करता रहेगा, करोड़पति बनेगा, तेरी फिल्में आएंगी, बुड्ढा होगा तेरा बाप, सारी उम्र तू फिल्में करता रहेगा। अब तो मैं जा रही हूँ, तेरे स्टैंड अप के बाद फिर मैं आऊंगी।
देवियों और दुर्जनों, आइए सबसे पहला सवाल करेंगे हम अर्चना पूरन सिंह, हमारे शो पर जोरदार तालियां। अर्चना जी, आपसे पहला सवाल है कि कॉमेडी सर्कस का ये जो सीजन है ये कौन जीतेगा? और आपके ऑप्शंस हैं, वैसे आपके कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होते हम किसी और को लाते इस शो पे। वैसे भी हम आपको चार ऑप्शन देंगे। आपके ऑप्शन हैं भारती की टीम, कृष्णा सुदेश की टीम, मंत्रा की टीम या फिर ठाकुर की टीम, बताइए। ओ, अर्चना जी ने कहा इस बार ठाकुर जीतेगा, जोरदार तालियां, क्या बात है। अर्चना जी, आपने इस सवाल का जवाब देकर साबित कर दिया कि मैं तो गधा हूं ही, सुदेश जी भी गधे हैं। अरबाज जी, आपका सवाल यह है कि आप ज्यादा हंसते क्यों नहीं, और इस बात का कोई ऑप्शन नहीं भैया। अब आप इस सवाल का जवाब देंगे तो हम आपको देंगे 50 करोड़ रुपए। एक मिनट सर, फोन आ गया। हाँ विपुल जी बोलिए, क्या 50 करोड़ रुपए नहीं दे सकते? मत हंसिए सर, जाने दीजिए, इन लोगों का पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। जोरदार ताली अरबाज भाई के लिए। खैर, आज रविवार है, आज मेरा भाई रवि आने वाला है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चला गया। रवि भाई, मैं तो शशि कपूर बनता ही नहीं था, मुझे बनना ही नहीं आता, इन्होंने मुझे 3 दिन सुसु नहीं जाने दिया तब बन गया मैं जाके। लेकिन आने में तो लेट क्यों हो गया तू? तेरा मामा सीधा आता है ना, तब भी लेट हो जाता, मैं तो आया ही उल्टा हूँ, लेट नहीं होऊंगा। लेकिन एक खुशखबरी है भाई। क्या अरबाज भाई ने हंसना शुरू कर दिया है? नहीं, इतनी हमारी किस्मत कहाँ भाई, फिर माँ ट्रक के नीचे आके लुढ़क गई है। नहीं भाई, तो फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या बात है, नौकरी से तुम्हें निकाल दिया, क्यों? कहते 7 साल में एक भी चोर नहीं पकड़ा। क्या बात है? ये बात सही है क्या कि तूने 7 साल में एक भी चोर नहीं पकड़ा? कैसे पकड़ता, मेरी दिन की ड्यूटी होती, चोर रातों को निकलते हैं भाई। अरे अरे, दिन को डाकू निकलते, उन्हें पकड़ लिया कर तू। मेरी बात सुनो। हाँ। तुमने शोले फिल्म में काम किया था भाई। हाँ हाँ। तेरे साथ धर्म जी थे। हाँ। फिर भी डाकू को पकड़ना कितना मुश्किल हुआ, धर्म जी के होते हुए मैं तो फिर भी शशि को कैसे पकड़ू भाई, मुझे अपनी गैंग में रख लो। लेकिन डाकू के पैतरे तुम्हें कहाँ पता रवि? मुझे सारे पैतरे पता है, मैं एक पट्टी ऐसे लगा के ना बच्चों को डरा लेता हूँ, और मैं धमकी भी लगा सकता हूँ, अगर अपनी माँ बेटी की इज्जत बचाना चाहते हो तो बेटी को यहीं छोड़ जाओ, माँ को ले जाओ, बेटी अभी सो रही, काली पहाड़ी के पीछे पैसे लेकर पहुंच जाओ, मेरे घर के पास पड़ती है भाई। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे इस काले धंधे में पैसा वैसा बन जाता है? अरे क्यों नहीं बनता, आज क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है। एक चीज समझ में नहीं आई, तू पुलिस में भर्ती हो गया, बचपन से मैंने तुझे कहा था कि हम दोनों ही डॉन बन जाते। तो तुम बताओ, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हुए भाई? क्योंकि मैं अभी भी किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, बस इसी वजह से हम भूखे मर गए। बारात आती थी, सारे बच्चे पैसे उठा के ले जाते थे, ये बंदा फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ऐसे कर करके तू थका नहीं अभी तक? मैं थक गया भाई। हाँ। थोड़ा चेंज कर ले करेक्टर, तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाता हूँ। और नहीं नहीं गब्बर भैया, ऐसा भी कभी हुआ कि आप बुलाए और हम ना आए? अरे एक दिन ऊपर वाले ने हमको नीचे भेजा और हम ऊपर से नीचे छत के ऊपर आ गए, और आप नीचे खड़े खड़े थे कि हमको ऊपर से नीचे बुला रहे, अगर हम ऊपर से नीचे आ गए तो आपने हमको डेस्क ऊपर भेज दिया, तो एक दिन ऊपर वाला फिर हमको नीचे भेज देगा, और ऐसा ऊपर नीचे करते करते हो सकता है एक दिन ऊपर आप ही चले जाए, समझ गए हो ना? I can talk English, I can bark English, I can laugh English, because English is a very funny language. Bhairo becomes Bhairan and Bhairan becomes Bhairo because their minds are very narrow. Alle bhai, dekho main duniya ka bahut bada jadoogar hu. Main tumko ek kela deta hu. Us kele se tum kisi bhi cheez ko patkar kar sakte ho. Bhaiya main jhooth nahi bolta, main bahut bada jadoogar hu. Bhai. एक मिनट, समय समाप्ति की घोषणा। भैया मेरे पास एक पंच है। नहीं नहीं नहीं, अभी समय समाप्त होने वाला है भैया, अभी एंड बहुत अच्छा। बर्बाद भाई, वैसे बहुत बढ़िया पंच था, लेकिन समय समाप्ति की घोषणा, आई एम वेरी सॉरी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, कौन बना करोड़पति, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच।